ब्रेकिंग न्यूज, काजीपुर थाना कासमाबाद के अंतर्गत सलामतपुर एफबीआई निधि लिमिटेड ब्रांच का फर्जीवाड़ा सामने आया है। भोली भाली जनता को मूर्ख बनाकर रुपए जमा कर ठगी का काम जारी है। जब सर्वोच्च दर्पण के संवाददाता सरफराज अहमद ने एफबीआई निधि लिमिटेड के कर्मचारियों से बात किए तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया और मारपीट करने की धमकी देने लगे। इसकी शिकायत डायरेक्टर अमन कुमार जोशी व इनकी पत्नी सिमलावती, जो कि वह भी डायरेक्टर हैं, से किया गया तो दोनों डायरेक्टर बोले कि आपको जो करना है कर लीजिए, पैसा वापस नहीं मिलेगा, और गाली गलौज करने लगे। खाता धारक अमलेश कुमार शर्मा का आरोप है कि विगत 8 महीनों से हम खाता खुलवाए हैं, अभी हमको ना पासबुक मिला है, ना ही हमारे पैसे का कोई डिटेल मिला है, और यहाँ पहले पूर्व में काम कर चुके नीरज विनीत, जो कि पुराने कर्मचारी हैं, उनका आरोप है कि हमें अभी तक वेतन भी नहीं मिला है, वेतन मांगने पर ये हमसे बदतमीजी करते हैं और गाली गलौज करते हैं। फ्रैंक निधि कर्मचारी लगभग 8 माह से जनता को इसी प्रकार चूना लगा रहे हैं। आइए देखते हैं सरफराज अहमद की रिपोर्ट, गाजीपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। गाजीपुर जिले के थाना कसीमाबाद के अंतर्गत सलामतपुर में फ्रैंक बैलेंस इंडिया निधि लिमिटेड विगत 8 महीने से यहां बैंक का नाम बताकर यहां की जनता को लूट रही है। उदयचंद, सुरेंद्र कुमार, अनिल यादव, ब्रजेश कुमार अकेला, वंदना यादव, भारत विंद, उमेश राजभर, विनोद राजभर, देवकी, जो यहां खाता धारक हैं, का आरोप है कि जब हम अपना पैसा मांगने जाते हैं तो यहाँ के कर्मचारीगण मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। जब इसकी शिकायत हम लोग डायरेक्टर अमन कुमार जोशी से करते हैं तो वो भी प्रशासन का डर दिखाकर भगा देते हैं। और जब इसकी दूसरी डायरेक्टर सिमलावती कुमारी पत्नी अमन कुमार जोशी से खाता धारक अपना पैसा मांगते हैं तो वो भी गाली गलौज करती हैं। वह खाता धारकों से बदसलूकी करती हैं और कहती हैं कि पैसा नहीं मिलेगा, जो करना है करो। अमलेश शर्मा का आरोप है कि हमें खाता खुलवाए 8 महीने हो गए, ना तो अभी तक पासबुक प्राप्त हुआ और न ही हमारे खाते में कितना बैलेंस है इसका कोई हिसाब मिला है। यहाँ के खाता धारक परेशान हैं क्योंकि गाजीपुर में न तो इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, न ही यह कंपनी टैक्स देती है। नीरज, विनीत, प्रियंका जो पुराने कर्मचारी हैं, अभी तक उनका वेतन भी नहीं दिया गया है। इस संबंध में थाना कसीमाबाद में उदयचंद, ब्रजेश कुमार अकेला, अनिल यादव आदि खाता धारकों ने 18/6/2020 की दोपहर में तहरीर दिया है। प्रशासन ने बैंक तथा खाता धारकों की समस्या का निष्पक्ष जांच कर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। अभी तक पासबुक नहीं मिला, नहीं मिला। तो पूछ लीजिए सामने से। पैसा मांगने पे क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि तुम्हारा पैसा बस 500 है। पहले तो बोले कि 300 रुपए है, बाद में जब पर्ची दिए तो 4 बची थी तो दिए, तो बोले कि 500 है। पर्ची कहाँ है जो आपको पैसा जमा की पर्ची मिला? जी पर्ची है आपके पास? जी। लेके आए हो? यहाँ तो नहीं है, निकाल के छोड़े। किसी के पास पर्ची है? हमारा 500 का है। कितना पैसा जमा किए थे? क्या नाम है आपका? हाँ, सुरेंद्र कुमार सर। आपका क्या दिक्कत है? यही दिक्कत है, हम 1200 रुपए जमा किए थे और मैंने पर्ची पूरा मिला था, लेकिन कुछ पर्ची गायब होने के कारण ये लोग कह रहे हैं कि जितना जमा है, जितना दिखाएंगे उतना ही मिलेगा, उससे अधिक नहीं मिलेगा। जो 1200 जमा किए हैं उसमें से 420 रुपये बता रहे हैं, 420 रुपये। आप जो पर्ची जो है आपके पास में जमा किए हैं वो सिर्फ आपके पास है? पूरा नहीं है सर, मैंने कुछ खो गया तो इनके यहाँ तो होना चाहिए कि पूरा मैंने लिस्ट दिए हैं, तो कई जो चाहे हो ना कि हमारे यहाँ का लिस्ट दिए हैं पर्ची। अपने अभी तो कोई पासबुक आपके पास नहीं है? वो भी नहीं है, कई बार कहेगा नहीं हम लोग क्या नहीं मिल जाएगा तो 4 दिन बाद मिल जाएगा, इसी तरह पर्ची करके बढ़ा दिया है तो 7-8 महीना हो गया। 7-8 महीना हो गया जमा किए पैसा आपको? जब आपको पैसे की दरकार है पैसा नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। क्या बोल रहे हो? कह रहे हैं देख रहे हैं पूरा पर्ची खोज लेंगे, जो होगा हमारे यहाँ कुछ रिकॉर्ड होगा तो उसको देखेंगे, तब देखे देंगे। कितना दिन पहले बोले थे कि रिकॉर्ड होगा, अभी तक वो देखे नहीं? अभी तक तो मैंने बताया। मैं पैसा जमा कर रहा हूँ, चाय पकौड़ी की दुकान है, वो पैसा जमा करने के लिए आए थे, बोले थे कि सलामतपुर बैंक है, SBI बैंक है, तो मैं बोले कि ठीक है। उसके बाद बोलते थे कि देने का 20 रुपया जितना है, जितना देना चाहते हो उतना दे दो,
तो मैं बोलने की नया नया पाएगा मैं शुरू में 20 रुपया दूंगा, तो बोलने की और मैं बोलने की नई नया नया पाएंगे तो मैं 20 रुपये जमा करूंगा, उसके बाद 5 रुपया देखूंगा, तो बोलने देखिए ठीक है 20 रुपया मैं दे दी जा रहा हूँ। एक हफ्ते तक जमा किया हूँ सर, उसके बाद ये लोग नहीं आए मेरे पास, एक महीने दो महीने खोजता रहा हूँ, 2 महीने के बाद फिर आए बोले कि तुम्हारा विनोद नाम है, हम बोले कि हाँ मैं, तो बोले थे कि पैसा जमा करते हो कि नहीं, मैं बोला कि 20 रुपया, उसके बाद बोले थे कि वो लोग आए थे भाग गए थे, मैं नया में आया हूँ, उन लोगों ने नौकरी से निकाल दिया हूँ, तो बोला थे कि नहीं मैं जमा करूँ, लगा रिक्वेस्ट करने के लिए नहीं जमा करिए आपका कहीं पैसा नहीं भागा, फिर मैं जमा कर दिया हूँ, फिर एक हफ्ते से जमा किया हूँ, लॉकडाउन के बाद बंद हो गया, पासबुक सब दे दिया हूँ, उसके बाद कोई नहीं आने बोले कि पैसा चढ़वा के आपको पासबुक दे दूंगा, पासबुक भी नहीं दिए हमको, खाली पर्ची है मेरे पास, ये समस्या। जो तुम्हारे पास गया था हाँ वो कौन था? जो पहले से नहीं है। अच्छा, जो पैसा जमा किया कोई है यहाँ पे इस वक्त? नहीं नहीं सर, शुरू में वो आए थे, शुरू में यही भाई साहब आए थे, इनके माध्यम से पैसा जमा हुआ? हाँ इनके माध्यम से पैसा जमा। क्या नाम है आपका? आपने इनका पैसा जमा कराया? कौन कहा था आपको पैसा जमा कराने के लिए? जॉब करते, करते हैं यहाँ पे, करते थे। अच्छा सर, बैंक के नाम पर हम आए थे जॉब करने के लिए, सर 2 महीने किए बेसिक से आए थे, वो भी सर बात करते थे कुछ और करते थे कुछ और, हम लोग किसी तरह 2 महीने किए, जब सीधे नहीं मिला तो हम निकल गए, चले गए।